कश्मीर के जिला गांदरबल के जजना इलाके के कई गांव पंप स्टेशन के बार बार खराब होने से पीने की पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लार में स्थापित मास्टर प्लान योजना से इस गांव के लोगों को पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन वो बंद कर दी गई। अब स्थानीय लोगों को दूषित पानी पीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जजना गाँव के लोग हैंडपंप्स या झेलम नदी से पानी लेने जाते हैं, जो उनके क्षेत्र से बहुत दूर है। वहीं स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व डीसी गांदरबल शामबीर से हस्तक्षेप कर इस गंभीर समस्या को दूर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जो मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूबवेल, और हम पिछले एक महीने से ज़्यादा के वक्त से पानी से महरूम है। आप अगर देखिए आज तो विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने ज़्यादा टाइम तक पानी के बगैर रह सकते हैं। खुदा का शुक्र है अभी तक बारिश नहीं हुई उतनी ज़्यादा, लेकिन तो अभी हम कर पा रहे हैं मैनेज, लेकिन जब बर्फ़ होगी आपको खुद पता है कि माइनस डिग्रीज में कौन वक्त बाहर जाएगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आप हमारा मसला है आप उसको थोड़ा उसको ले जाए आला हुकाम तक, जिनकी जो यहाँ पे देख के जहाँ पे आके हमारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए। बसान जाने आब कहीं आब रेत खंड गो बिल्कुल कहीं आस पत बुत छलन सुबह आब बनान वो गई मजबूर लच्छ लच्छ रोपये लगान ट्यूबवेल खननस पगह इन पावर वाल तो दपान करू सा अग्रीमेंट तो अत चल वर कह। गांदरबल से द अर्थ न्यूज़ के लिए रही शाह की रिपोर्ट।